यार मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ रे मेरे भाई, हम लोग आज चोर उचक्के है। पर्स मारा क्या? चोर 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 चोर। चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर। तुम तो जहन्नुम गए थे ना, वापस कैसे आ गए? शादी करके आओ बोल के वापिस भेज दिए। जीनत जी, अम्मी क्या कर रही? वो दूध वाला है तो उसे दूध ले रही थी। झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। वो जमीर मेरे ऊपर थूकता? अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दी जमीर को? पिछले 10 साल से तुम ऐसे बातें करके ना अपने विखार को खो चुके। विखार को खो दिया? अरे कौन बोले विखार को खो दिया बोल के? जुमेरात के दिन मैं और विखार मरचान होटल में बिरयानी खाए, चाय पी, पीर को दुबई जा रहा बोला उन्हें। दूरदर्शन का जमाना पुराना हो गया, स्क्रीन टच का जमाना हो, टच करूं क्या? तो एक पुलिस की नौकरी दिला दो ना सर। क्या पुलिस की नौकरी? मैं जेब में रख लेंगे फिर तो, निकालते ही दे देने के वास्ते। तेरे दादा मुरमुरे बनाते थे या मुरमुरे बेचते थे? मुरमुरे बनाना तो दूर, उन्हों जिंदगी में कभी मुरमुरे देखे भी नहीं। अभी झिंझोड़ता हूँ सबको। भाई लोग, अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये रास्ता किसी मंजिल तक नहीं, कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंचाए। यहाँ से अगर भागे तो 95% मरेंगे और 5% बचेंगे। मौत से भागकर मौत के पास ही जाना है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो वफादार, मददगार और ईमानदार होता। हिंदुस्तानी मुसलमान को बचपन से यही सीख सिखाई जाती है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान।